समय की बात है, एक जंगल में भयंकर राक्षस रहता था। वो सारे पशु पक्षियों को खा जाया करता था। इसी वक्त सारे पशु पक्षी बहुत परेशान थे और आपस में बातें कर रहे थे कि वो जानवर जो उस गुफा के पास रहता है, जो चांद से उतर कर आता है, उसे कैसे रोका जाए। ऐसे में तो जंगल के सारे जानवर मृत हो जाएंगे। वो हर रोज ना जाने कितने मासूम जानवरों को खा जाता है और उन्हें मार देता है। एक दिन टूनी चिड़िया उसे देखकर बाल बाल बची। फिर उसने हाथी राजा को बुलाया। हाथी राजा बाढ़ में से बाहर आकर आए और टूनी चिड़िया ने उसे अपनी सारी बातें बताई। हाथी ने मदद करने को तैयार हो गया। फिर टूनी हाथी के साथ शेर राजा के पास गई और फिर उसे भी सारी बातें बताई। टूनी ने बताया कि कैसे वो राक्षस उन सबको परेशान करता है और कैसे वो सारे जानवरों को खा जाता है, आग से सारे जानवरों को आग लगा देता है और सारे जानवर मर जाते हैं। इसी बीच टूनी चिड़िया शेर से मिलने गई और उसे भी बताया कि कैसे पूरे जंगल में तहस नहस मचा हुआ है और शेर को इस बात की ख्याल ही नहीं था। शेर ने सुना तो उसे बहुत गुस्सा आया और तब तक उस भयंकर राक्षस का एक और दोस्त आ गया था जो कि और भी ज़्यादा भयंकर था। वो उड़ भी सकता था और मुँह से बड़े बड़े आग के गोले फेंकता था और वह एक गुफा में रहता था। ये बात सभी जंगल के जानवरों को पता नहीं थी और ये बात जल्द ही पता चलने वाली थी, क्योंकि अब ये दोनों मिलकर और भी ज़्यादा उत्पात मचाने वाले थे। टूनी चिड़िया बहुत ज़्यादा चिंतित थी कि इन दोनों को अब एक साथ कैसे रोका जाए। एक दिन भोजन की तलाश में उड़ते उड़ते टूनी चिड़िया थोड़ा दूर निकल गई और तभी वो एक पेड़ से टकरा कर गिर गई। जब उसकी आँख खुली तो एक रहस्यमय जगह पर वो थी, जहाँ पे उसे एक जादुई तलवार मिला, जिसे उठाकर वो अपने घर के रास्ते अपने घर आ गई। लेकिन इस तलवार को देखकर उसे बहुत ही आश्चर्य हो रहा था। उसे लगा शायद ये राक्षस को मारने के लिए ही है और इसे लेकर वो अपने घर आ गई। और फिर घर आने के बाद उसने ये बात सारे पक्षियों को बताई। सारे पक्षियों ने भी ये बात जानकर बहुत हैरानी जताई। फिर टूनी चिड़िया हाथी राजा के साथ निकल पड़ी और रास्ते में वो जानवर बहुत बड़ा राक्षस भी इंतज़ार कर रहा था। वो बहुत गुस्से में था और बहुत ज़्यादा भयंकर हो रहा था। तभी टूनी चिड़िया भी उसके पास पहुंच गई। उसे भी बहुत फटकारा और उसने उसे चेतावनी भी दी कि अगर वो नहीं संभलेगा तो उसे उसका बुरा नतीजा दिखेगा। और वैसा ही हुआ, टूनी ने उसको मार दिया और उसके बाद वो राक्षस वहीं पे मर गया। उस राक्षस के मरने के बाद जंगल के जानवरों को थोड़ी खुशी हुई और वो आपस में घूमने लगे, नाचने लगे। लेकिन टूनी चिड़िया को अभी भी शांति कहाँ था। वो अभी भी घूम रही थी दूसरे राक्षस को मारने के लिए और वो उपाय तरकीब सोच रही थी कि किससे वो दूसरे जानवर को मार सकती है। लेकिन हाथी राजा और बाकी जानवर बहुत खुश थे और वो अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ही एंजॉय कर रहे थे। उन्होंने टूनी चिड़िया से एक बार भी नहीं पूछा कि क्या उन्हें उनकी मदद भी चाहिए। इसलिए टूनी चिड़िया थोड़ा नाराज़ थी, लेकिन उसे पता था कि अगर वो मुसीबत में पड़ेगी तो ज़रूर ही वे लोग उसकी मदद के लिए आएंगे। और इसी हौसले से वो निकल पड़ी उस राक्षस को मारने। वो राक्षस भी काफ़ी गुस्से में था। बहुत ज़्यादा ही गुस्से में होने के कारण जानवर की भयंकर लड़ाई हो गई। तभी टूनी चिड़िया बीच में कूद पड़ती है और उस भयंकर जानवर को मार देती है। और इसी तरह से उस भयंकर जानवर को मार दिया जाता है और सभी पक्षी खुशी खुशी उस जंगल में रहने लगते हैं।